वहाँ पे एक बस और मिनी पिकअप वैन में ऐसा भिड़ंत हुआ जिसको देख करके वहाँ पे जो लोग थे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बहुत बचाए बस में। सवारी का कुछ नहीं ना हुआ है? ड्राइवर के? नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा दस्तक कार्यालय में। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस्लामपुर और राजगीर मुख्य मार्ग पे आए दिन दुर्घटना होते रहती है। पिछले दिनों, आज से लगभग 3-4 दिन पहले, एक दुर्घटना हुआ जहाँ पे महमूदा मोड़ के पास 3 लोगों की मौत हो गई सड़क दुर्घटना में। ऐसा बताया जा रहा था कि मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर के सड़क पे ही 3 पलटनियाँ मारी और वहाँ पे ही 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं उस दुर्घटना में 1 लोग गंभीर रूप से घायल थे, उनका मौत पटना में इलाज के दौरान हुआ। मतलब कि आज से 4 दिन पहले 4 लोगों की मौत हुई है महमूदा के पास। उसके दो दिन पहले जाएंगे तो सिमरौका पुल के पास, यानी कि सिमरौका पेट्रोल पंप के नज़दीक, वहाँ पे 2 सगे भाइयों का सड़क दुर्घटना में मौत हुआ था। वो बाइक से अपने नानी घर से इस्लामपुर जा रहे थे इलाज करवाने के लिए, उनका तबीयत ख़राब था। और इस्लामपुर और क्या बोलते हैं कि राजगीर मुख्य मार्ग, जो कि खुदागंज और बलुआ खंदा के बीच का जो पॉइंट है, बीच का जो रास्ता है, वहाँ पे जो दुर्घटना होता है वो सबसे अधिक होता है। लोग उसको डेंजर जोन मानते हैं। उतना दूर में लगभग 4-5 टर्निंग ऐसे हैं जहाँ पे दुर्घटना होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई है। अगर पिछला 1-2 महीने की रिकॉर्ड देखें तो अभी जो दुर्घटना हुआ है खुदागंज क्या बोलते हैं कि पावर ग्रिड के पास, वहाँ पे एक बस और मिनी पिकअप वैन में ऐसा भिड़ंत हुआ जिसको देख करके वहाँ पे जो लोग थे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा बताया जाता है कि जो बस था वो बौरी होते हुए जो सड़क जाती है सिलाव होते हुए बिहार शरीफ से वो बस खुदागंज आ रही थी, और इस्लामपुर की तरफ से एक मिनी पिकअप वैन जा रही थी राजगीर की तरफ। और वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ऐसा भिड़ंत हुआ कि दोनों के पर खच्चे उड़ गए। हालांकि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार का किसी को क्या बोलते हैं कि मौत की खबर नहीं। हालांकि जो पिकअप पे 1 लोग सवार थे उनको हल्की चोट आई है और जो उसके ड्राइवर हैं वो भागने में सफल रहे हैं। उस बस में लगभग 10-15 लोग सवार थे, ड्राइवर की माने तो उस बस में 10-15 लोग सवार थे, और बस वाले ड्राइवर के सूझबूझ से किसी की भी जान नहीं गई। रोड के लेफ्ट साइड में, बोले तो पूरब साइड में, एक मिट्टी का उभरा हुआ क्या बोलते हैं कि मिट्टी का एक स्पॉट बना हुआ था, उस पर जा करके बस अटक गई। अगर वो स्पॉट नहीं रहती तो आज खुदागंज और क्या बोलते हैं कि बलुआ खंदम जो मुख्य मार्ग है वहाँ पे भी 10-15 लोगों की मौत होना लाजमी था। वहाँ की वीडियो देखिए किस प्रकार से दुर्घटना हुआ है। बसवा में सवारी भी लीजिए, तब सवारी का कुछ नहीं ना हुआ है? ड्राइवर के? हो आइए गौकर इलाज करा।